guys, Muskan here. Welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So today in this video, I'll be doing a festive makeup look which is requested by Surbhi Sharma. So this video is for her. So let's not waste the time and directly jump into the video. सो यहाँ पे मैं हेयर बैंड लूँगी सबसे पहले एंड अपने बाल पीछे कर लूँगी ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो. और अभी मैं लैक्मे का फाउंडेशन ले रही हूँ गाइस, जो कि 02 शेड में है. एंड मैं इसको अपने पूरी फेस पे लगा लूँगी एंड देन आई ब्लेंड इट विथ अ ब्यूटी ब्लेंडर. सो यहाँ ये येलो अंडरटोन में है. अगर आप यू नो विटिश स्किन टोन के हो या फिर अगर आप डस्की स्किन टोन के हो तो आपके लिए ये परफेक्ट शेड रहेगा गाइस. एंड ये थोड़ा ड्राइंग है बट ये अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा. एंड ड्राई स्किन वाले आप मॉइस्चराइज़र लगा करके यूज़ कर सकते हो बट आई जस्ट लव दिस शेड एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड इट. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही थी तो यू नो थोड़े से आपको पैचेस नज़र आ सकते हैं. एंड यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है गाइस एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाइड माय फ्लॉज एंड यू नो डार्क सर्कल्स. एंड आल्सो मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रही थी अपने फेस को. एंड यस गाइस, ये भी थोड़ा सा ड्राइंग है. एक्चुअली ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में है बट आप जैसे ही इसको लगाओगे आपको तुरंत वर्क करना पड़ेगा इसके साथ, नहीं तो ये केकी लुक देगा, ये क्रीज करेगा बहुत. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड इट. सो यस, लेकिन इसका जो शेड है ये परफेक्ट है गाइस. तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये जो भी मेरे अंडर आई मीन यू नो डार्क सर्कल्स है उसको बहुत अच्छे से ये हाइड किया है. सो अभी मैं बेबी पाउडर लेकर के जो है अपने अंडर आइज़ को मैं सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज ना करें. एंड यस, मैंने जस्ट अपने लिप्स पे लिप बाम लगाया गाइस, सो आई हैव नथिंग ऑन माय लिप्स, जस्ट अ लिप बाम. एंड अभी मैं मार्स का ब्लश पैलेट लूँगी एंड मैं पीच कलर शेड पिक करके जो है अपने चीक्स पे लगाऊँगी. तो ये बहुत ही प्रिटी शेड है, ये भी सारे स्किन टोन वालों के साथ जाएगा. सो यस गाइस, अगर यू नो जैसे कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट मेकअप वीडियो है मेरे चैनल पे, तो कोई भी अगर आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक किया है या फिर अगर कुछ और भी अच्छा हो सकता था तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो यू नो, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ नेक्स्ट टाइम से. सो यस, यहाँ पे मैंने जो है मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है और उसमें से मैं पिंक कलर का जो शेड है मैं वो पिक करूँगी और उसको मैं लगाऊँगी फिंगर्स के मदद से. तो ये मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद नहीं ली, बिकॉज़ मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर के फिंगर्स की मदद से ब्लेंड कर रही थी. आप देख सकते हो जैसे कि ये मेरे इनर कॉर्नर पे लग गया और ये थोड़ा स्मज हो गया था. बट इस पैलेट की जो पिगमेंटेशन है गाइस, आई मीन जो कलर पे ऑफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है ये. तो आपको बहुत ही यू नो लाइट हल्का सा प्रोडक्ट आपको लेना होगा. एंड इसके ऊपर मैंने ब्राउन शेड लिया है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड इट. आप फिंगर्स की मदद आप तब कर सकते हो गाइस जब आप कोई यू नो शिमरी शेड या फिर अगर आप कोई यू नो ग्लिटरी शेड अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो अपने आईज़ पे, बिकॉज ब्रश जो है वो पिक नहीं कर पाता इस टाइप के शेड्स को जो शिमरी शेड्स हैं. अगर आप वो फिंगर्स से टैप करके लगाओगे तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड जो है लुक आएगा. एंड तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बोल्ड आई मेकअप किया है. अगर आप यू नो कोई सटल सा मेकअप लुक करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यू नो जस्ट कोई शिमरी शेड आप अपने आईलिड पे जो है टैप करके लगा सकते हो और उस पर जो कोई हल्का सा काजल आप एज ए आईलाइनर यूज़ करके उसको स्मज कर दो तो बहुत ही अच्छा लुक देगा वो भी गाइस. सो अभी मैं यहाँ पे ब्राउन शेड जो है अपने यू नो अंडर आई पे लगा करके अंडर लैश लाइन पे लगा करके उसको मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ. और जैसे कि मैंने कहा मैंने ब्रश नहीं यूज़ किया तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी ब्लेंड करने में,
यूजुअली मैं अपना आई मेकअप फिंगर्स की मदद से करती हूँ गाइस, बिकॉज़ मैं इतना बोल्ड लुक नहीं क्रिएट करती कभी भी. सो यस, अभी मैं यहाँ पे सिवाना का ब्रिक पैलेट लेकर के उसमें से गोल्ड शेड लूँगी और उसको मैं टैप करके लगाऊंगी. तो जो मेरा आई मेकअप होता है ये हमेशा इसी टाइप का होता है कि मैं कोई शिमरी शेड लगा देती हूँ ऊपर टैप करके, और उसके ऊपर जस्ट काजल लगा करके या फिर आईलाइनर लगा करके लुक मेरा ख़त्म हो जाता है गाइस. सो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था. सो यस, कोई बात नहीं, आई मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से कोई गलती ना हो और अच्छे वीडियोस आपको मैं दे पाऊँ. एंड यस, मैं यहाँ पे जो भी एक्सेस है मैं उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से. एंड यहाँ पे मैंने एडीएस का जो है लिपस्टिक लिया है. ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है गाइस, बिकॉज़ ये मरूनिश शेड है. ये हर स्किन टोन के साथ जाएगा. इफ़ यू आर वीटिश स्किन टोन एंड इफ़ यू हैव डार्क स्किन, ये सब पे ही अच्छा लगेगा, फेयर स्किन वालों पे, सब पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है ये. एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया है जो कि है एडीएस का, क्योंकि मैं वाटरप्रूफ नहीं यूज़ करती. वाटरप्रूफ यूज़ करने पे आईलैशेस ब्रेक हो जाते हैं, सो आई डोंट यूज़ इट. एंड यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन. एंड अभी गाइस इसके बाद मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करने के लिए आई यूज़ काजल जो मेबेलिन का है. सो मुझे लगा यहाँ पे कि थोड़ा सा ब्लश कम है तो मैंने दोबारा से अप्लाई किया, बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है अगर आप कोई पिक्स वगैरह ले रहे हो तो उसमें इतना उभर के नहीं आ पाता है ब्लश. जैसे कि आपको पता है कि हम सब फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगाओगे तो वो थोड़ा कम ही नज़र आएगा फ़ोटो में, फिल्टर्स में. तो अभी मैं मेबलिन का काजल लूँगी एंड उसको मैं एज अ आईलाइनर लगाऊंगी और उसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्रश के मदद से गाइस. ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देगा आपके आईज को. एंड यस गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और मैं सेट कर रही हूँ अपने काजल को ताकि वो स्मज ना हो. तो मैंने लगा लिया है एज ए आईलाइनर अपने काजल को. एंड ऑल्सो मैं आईब्रोज़ नहीं करती हूँ गाइज, बिकॉज़ ये आई डोंट नो, ये मुझ पे सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं आईब्रो नहीं करती कभी भी. अगर आप आईब्रोज़ करते हो तो यू कैन गो फॉर इट. एंड ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन. यस गाइज, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना पाऊँ वीडियो उस टॉपिक पे. सो यस गाइज, आई थिंक मेरा मेकअप हो गया है. अभी दिस इज़ माई फाइनल लुक. तो मेरा जो मेकअप है वो कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ. सो आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा हो. एंड यस, अगर आपको कुछ और अच्छे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो. सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. एंड यस गाइज, बाय, टेक केयर.